नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती की। जैसा कि आप सभी जानते हो मुख्य सेविका भर्ती पे आपका स्टे लग चुका है, तो आप सभी इस भर्ती को लेकर बहुत परेशान हो। और इसके पहले मैंने वीडियो बताई थी और उसमें यही बताया था आपको कि देखो आप कोर्ट केस के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में इधर उधर अपने पैसे को वेस्ट मत करना, क्योंकि आपके पैसे बहुत वैल्यूएबल हैं। आपको ये खुद से पता है, मुझे बार बार शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी बहुत खून पसीने की कमाई की या फिर आपकी मम्मी पापा का बहुत मेहनत का पैसा है, तो उसको इधर उधर हर जगह मत लगाओ। क्योंकि मुझसे कई लड़कियों ने इस बारे में कहा था कि मैम बहुत सी लड़कियां, बहुत से और लोग हैं ग्रुप वाले जो हमसे कह रहे हैं यहां कंट्रीब्यूट करो तो हम कोर्ट केस करके ऐसा सॉल्व करा दें। मैंने उस समय भी आपको यही सजेशन दिया था कि जो मैं कह रही हूं उस बात को मानिए, आप आयोग भी अब मत जाइए, क्योंकि आयोग जब हाथ खड़े कर चुका है, साफ साफ कह चुका है जब तक रिजल्ट पर से स्टे नहीं हटेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यही करना कि अपने विभाग जाइए, वहां पर बात करिए। इसका सीधा सा उदाहरण मैं देती हूं। देखो आपको पता है कि लेखपाल की जो भर्ती थी जिसमें मेरा भी चयन हुआ है, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, रिजल्ट आ चुका, हम लोगों ने मेडिकल करा लिया, पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया, सब कुछ बहुत जल्दीबाजी में कराया गया, तहसील अलॉटमेंट हो गया, सब हो गया। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जिस दिन नियुक्ति वितरण होना था, नियुक्ति पत्र मिलना था, उस दिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उसके बाद हम लोग भी कहीं नहीं गए, आपने देखा होगा होता कल की वीडियो में भी, हम अपने विभाग के पास गए क्योंकि कोर्ट का मैटर हम लोगों का भी है। लेकिन ये हुआ कि पहले राजस्व परिषद जाओ, वहां बात करो, वहां पता करो कि हो क्या, एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या और हम कैसे उस चीज में जल्दी करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं पता होता है आपको। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि जो ये केस है, जिन्होंने केस डायर किया है आपका, 126 लोग जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं आपके, उसके लिए आप विभाग जाओ, वहां जाके बात करो, वो आपको खुद सजेशन देंगे सही से, ठीक है। तो देखो कई लोग तो बहुत अच्छे, बहुत सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। और मैंने हमेशा से कहा है मुख्य सेविका का जब रिजल्ट आएगा तो हम सब, जिसे बोलते हैं ना सम्मान समारोह, वैसा ग्रैंड कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। मैं खुद आपके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, क्योंकि शायद पहला पेड कोर्स था जिसे मैंने कुछ फीस ले लेकर पीडीएफ दी थी, उसके पहले मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी। और लगातार आप लोगों ने एक साल तक इस चैनल को देखा, पढ़ाई की बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जरूर मैंने हेल्प की होगी। और कई लोग उसके बाद भी आके नेगेटिव कमेंट करते हो कि मैम आप आयोग तो चल नहीं सकती, आप कोर्ट में तो कुछ हेल्प कर नहीं सकती। तो कुछ जितना हेल्प मैं कर सकती हूं, एज अ सिस्टर मानते हो, बड़ी बहन मानते हो, टीचर मानते हो, उस हिसाब से कोशिश ये करती हूं कि आपको हमेशा सही गाइडेंस दूं, सही जानकारी दूं। मैं भी हमेशा रोज ऐसा नहीं चाहती कि रोज आपको नॉर्मलाइजेशन, रोज एलिजिबिलिटी, रोज इसकी वीडियो बनाती रहूं। मैं खुद चाहती हूं कि आप इसके साथ साथ आगे और तैयारी को भी करते रहो। जो भी आपका एम हो, जो भी आप परीक्षा और निकालना चाहते हो उसको निकालो। सरकारी नौकरी देखो पाना वाकई में बहुत महंगा काम है, बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सभी को पता है हर सरकारी नौकरी के पीछे जो बच्चा मेहनत करता है उसे पता है जिस दिन उसका रिजल्ट आता है वो कितना खुश होता है। शायद जिंदगी का सपना जो बोलते ना वो साकार उसी दिन होता है। कितने लोग यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं आप देखते हो, दिल्ली जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं और 10-10 साल तक एग्जाम की तैयारी करते हैं और लास्ट में क्या होता है, कुछ नहीं निकल पाता है। लेकिन उसके बाद भी हताश नहीं होते हैं, क्यों? उस समय बहुत ज्ञान अर्जित किया होता है, जो सपना था उसको कोशिश पूरा करने के लिए पूरी कोशिश, जी जान लगाए होंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो यही, लेकिन देखो उसे सीख लेनी हमें कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो है ही, मुख्य सेविका कहाँ जाएगी, आपने मेहनत की तो नौकरी तो आप ही को मिलेगी। थोड़ा डिले लग रहा है तो कोई बात नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा देखना सबसे ज्यादा खुश भी आप ही लोग होंगे, क्योंकि आपने इतना लंबा इंतजार किया है। लोगों को किससे बताओ कि अरे हमारी भर्ती थी, ऐसे हुई, एग्जाम इतने दिन बाद हो पाया, फिर ऐसे हुआ। और उस तक कई बातों में आप मेरा भी नाम लो कि एक मैम है दीपाली मैम, देखो अब तो चैनल उनका बड़ा हो गया, उस समय बहुत छोटा था, आज के 10 साल बाद की बात करनी होता तो आप मुझे मेरा चैनल दिखाओ कि मैम ने तब पढ़ाया था, बहुत छोटा चैनल था लेकिन मैम सपोर्ट बहुत करती थी, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहो, अब मैं जो बात बताने जा रही हूं उसको सुनकर खुश हो जाओगे। आपको मैंने कहा था विभाग जाना, कुछ लड़कियां विभाग गई थी, उन्होंने ही मुझे जो बातें बताई वो मैं बताने जा रही हूं आपको। उनकी गोपनीयता की वजह से उनकी फोटोज नहीं दिखा रही हूं कौन सी गई हैं, लेकिन देखो यही होता है, कुछ कुछ लोग आगे बढ़ के काम करते रहते हैं तो उससे फायदा सबको मिलता है, सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा। आज ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हो आप लोग, आप ट्विटर कैंपेन में आप मुझसे कह रहे हो आप ट्वीट करिए, मैं ट्वीट करके रीट्वीट भी एक दो बार करूंगी, कितनी बार करूंगी मैं, लेकिन इसमें आप लोगों की एकजुटता का साथ होना जरूरी है। इसका उदाहरण फिर मैं लेखपाल से दूंगी, लेखपाल में उनको ट्विटर कैंपेन चलाना था तो वो एक दूसरे से बार बार कह रहे थे, आपस में जो अभ्यर्थी थे वही एक दूसरे से कह रहे थे कि बार बार कि ट्विटर करो। जितने लोग मुझे लगता है कर पा रहे होंगे कर रहे होंगे, 8,000 वहां बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 हैं, लेकिन वो सब अपना ट्वीट करके ट्रेंडिंग में ले आ रहे हैं। तो ये काम आपको अपनी एकजुटता से करना है, इसके लिए आपको करना है कि आप सब लोग, जितनी 36,000-37,000 लड़कियां हो, आप ट्वीट करो, रीट्वीट करो, ये आपका काम है। अब मैं इसमें खाली कहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें संज्ञान में ली जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर को करो, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो, ठीक है।
चलो बात कर लो कि देखो ये लड़कियां गई थी इसलिए उन्होंने फोटो भी भेजी है कि मैम हम लोग वहां गए थे, ये बात सच्ची है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी बोल रहा है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार निदेशालय में गई थी, अगर जो लोग जानते होंगे राज्य लोक सेवा अधिकरण तो वो देख के फोटो शायद पहचान जाओगे कि हाँ यही आपका पुष्टाहार विभाग है। ठीक है, देखो फोटोज देख के आपको ये समझ में आ जाएगा। इन्होंने वहां जाकर अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट के बाद इनकी वहां पीसीएस ऑफिसर मैम है आपकी, उनसे बात हुई। अभी तक मैंने जितने लोगों ने सुना सबने बताया था कि मैम अच्छे से कोई बात नहीं करता, ये लड़कियां बता रही कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की, बहुत प्यार से बात की और समझाया भी कि देखो सरकारी नौकरी ऐसे ऐसी होती, मुझे खुद इतने स्ट्रगल के बाद मिली। सरकारी नौकरी का अगर देखोगे तो ये बहुत अच्छी चीज शायद है, आप किसी का भी इंटरव्यू सुनोगे सबकी नौकरी के पीछे एक स्ट्रगल होता है, हर किसी की, आपकी नौकरी के पीछे स्ट्रगल है, किसी और की पूछोगे सबकी नौकरी के पीछे एक स्ट्रगल होता है। तो सक्सेस पाना इतना आसान नहीं, थोड़ी सी वेट और कर लो, जब इतने दिन वेट कर लियो थोड़ा सा और वेट कर लो, इसमें क्या बताने जा रहे हो उसको सुन के मुझे लगता है खुश हो जाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उम्मीद नजर आ रही है। ये वो है जो लड़कियों ने भेजा है, सुन देख लो अगर दिख रहा है अच्छे से। तो इसमें क्या है, बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन पे, विषय क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 10 मुख्य सेविका भर्ती के पदों पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्पष्टीकरण कर भर्ती प्रक्रिया से इस्ते हटवाने के सहयोग में संबंध में बात करी गई है। ठीक है, क्या बात की गई है देख लो, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि माननीय आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 5/2022 मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के लिए निकाली गई थी, जिस पर मुख्य सेविका पद पर कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस, ये जो केस नंबर है आपका, कर दिया गया है और कोर्ट द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया है। संविदा कर्मियों ने अपना पक्ष रखा है कि इसमें 126 सीटें संविदा कर्मियों की भी शामिल हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि 126 सीटें संविदा कर्मियों की शामिल है या नहीं, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्पष्टीकरण देकर भर्ती से स्टे हटवाने में सहयोग प्रदान करें, आपकी महान कृपा है। और ये देखिए डेट कल की है 26 फरवरी 2024। ठीक है, तो देखो ये आपका 26 फरवरी का का है, कल नहीं बना पाई वीडियो में इसलिए आज आपको बता रही हूं। तो इसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया, जिनका बता रही हूं पीसीएस अधिकारी मैम जिनसे बच्चों की मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग परेशान मत हो, इसके बारे में हम जल्द ही निर्णय लेंगे क्योंकि जितना आपको इंतजार है इस भर्ती के रिजल्ट का उससे ज्यादा जरूरत है हमें अपने यहां मुख्य सेविका कार्यकर्त्री की, यानी कि मुख्य सेविका की शॉर्टेज है, वैकेंसी इसीलिए आई थी 2693 पद क्योंकि वहां पर कमी है। तो आपसे आज जल्दी आपके विभाग को है, वो खुद बहुत जल्दी में लगे हुए हैं कि इस मैप्टर को इसको शामिल करना है कि आगे पद बढ़ाने हैं, जो भी मैटर होगा वो प्योरली उनका होगा, वो जल्दी ही से जल्दी इस चीज को डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो कि मैम ने आश्वासन दिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं आशा एक किरण नजर आ रही कि जल्द ही आपका इसका स्टे जो है वो हट जाएगा, आपको कुछ अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी। जैसे ही स्टे हटेगा आपको पता है कि आयोग में आपका रिजल्ट बन के तैयार है, तुरंत आपका रिजल्ट आएगा, डीवी होगा और हो सकता है चुनाव के आसपास, क्योंकि देखो एक बात बता दूं और चुनाव में पुरानी भर्तियों से फर्क पड़ता है, पुरानी भर्तियों से फर्क नहीं पड़ता है, जो नई आपकी भर्तियां होती हैं उनको नहीं करने दिया जाता है कि नई भर्ती आप नहीं निकालोगे चुनाव में, पुरानी कोई है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आयोग अगर चाहेगा तो जरूर आपकी सारी चीजें डीवी वगैरह करा देगा और जल्द ही आपके हाथ में आपकी सरकारी नौकरी होगी। तो पॉजिटिव रहो, आगे पढ़ाई करते रहो और परेशान बिल्कुल मत रहो, सभी लड़कियां बहुत अच्छी हो, बहुत मेहनती हो, आप इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंच रहे हो, तो बस उसी उम्मीद से पॉजिटिव रहो। और कल लेखपाल की भी उसमें मुझे 2-3 लड़कियां मिली थी जिन्होंने मुख्य सेविका की पढ़ाई की हुई है, तो मैं यही बोलूंगी देखो मैं हर जगह जहां जाती हूं मुझे मुख्य सेविका की लड़कियां मिलते हो जिनका बिहार में टीचिंग में केंद्रीय विद्यालय में कहीं ना कहीं हुआ है। तो इसीलिए अपने आप को कम मत समझो, इसकी वैकेंसी जल्द ही क्लियर होगी, सभी के हाथ में सरकारी नौकरी होगी, फिर जो सभी लोग कहते हैं मुझे मिठाई खिलाने का और पार्टी करने का वो जल्दी से हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और मोटिवेटेड रहो, खुश रहो।